हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तारीख 16 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में बड़ी ही धूमधाम से देश में स्वतंत्रता दिवस का त्योहार मनाया गया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है ये, और आज हमारा हिंदुस्तान किस पोजीशन पर है इसके एक झलक देख सकते हैं आप कि आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी दुनिया की टेक्नोलॉजी की कंपनियों को हमारे इंडियंस लीड कर रहे हैं। भारत ने 101 देशों को कोरोना वैक्सीन भी भेजी अभी कोरोना काल के दौरान। इतना ही नहीं, हॉलीवुड मूवी से भी कम खर्च में भारत ने मून मिशन भी सक्सेसफुली लॉन्च किया। ये कुछ उदाहरण है जिनसे आज दुनिया हमारा लोहा मानती है। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव की कुछ अनोखी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अंतरिक्ष से समुद्र की गहराई तक तिरंगे झंडे का झलवा देखने को मिला। ITBP के जवानों ने 75 चोटियों पर एक साथ फहराया झंडा। कोस्ट गार्ड ने समुद्र के अंदर भी ध्वज लहराया। ये कुछ फुटेज आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अंतरिक्ष में भी भारत के तिरंगे झंडे का जलवा दिखा। भारत की आजादी के 75 वर्ष का जश्न यूनिवर्स में अंतरिक्ष में भी मनाया गया। भारतीय मूल के अमेरिकी यात्री राजा चारी हाल में ISS यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 6 महीने बिताने के बाद वापस लौटे हैं, और वहां पर विदाई के दौरान ISS पर भी भारत के झंडे की तस्वीर ट्वीट की उन्होंने। देख सकते हैं आप, देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोहराया एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प। उद्योगपतियों ने भी मनाया स्वतंत्रता दिवस। मुकेश अंबानी ने पत्नी और पोते के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस। सुंदर पिचाई और आनंद महिंद्रा ने भी दी बधाई। बिल गेट्स, जो कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं, उन्होंने भी देश के PM को बधाई देते हुए कहा कि भारत ने जो डिजिटल बदलाव लाया वो प्रेरणादायक है। वहीं देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे भारत को बधाई देते हुए ऐसी बात कही जिसे जानकर आप भी गर्व से भर जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति बोले कि भारत ने आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से बड़ी कामयाबी हासिल की है जिसे दुनिया ने माना है। आज भारत विश्व मंच पर एक बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तिरंगे के जश्न में नाच गान किया। एक कुछ फुटेज आप देख सकते हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराने के बाद आदिवासियों के साथ झूमी ममता। श्रीनगर में लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। वहीं इस दरमियान PM मोदी ने घोषणा की कि भारत के हर राज्य के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इसको लेकर एक नया अभियान शुरू किया जाएगा। स्वच्छता एवं जल संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर यानी कि तालाब बनाए जाएंगे जिनसे गाँव में पानी का संरक्षण किया जाएगा। PM मोदी स्पीच के कुछ और हाईलाइट्स आप देख सकते हैं। जय जवान से लेकर जय अनुसंधान तक का नारा भी उन्होंने दिया। 5 प्रण लिए और 5G इंटरनेट का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश को जल्द ही तीव्र स्पीड का 5G इंटरनेट मिलेगा। PM मोदी के भाषण की 10-12 बड़ी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको लेकर मैंने DLS न्यूज के ऊपर एक कंप्लेंस वीडियो डाल दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1.5 घंटे के स्पीच के सभी हाईलाइट्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो इस 10 मिनट के वीडियो को हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर किए हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। दोस्तों, एक तो आज अखबार नहीं आएगा आपके घर पर भी अगर आप अखबार मंगाते हैं तो, क्योंकि ज्यादातर न्यूज पेपर्स के ऑफिस में क्या 15 अगस्त की छुट्टी रहती है, तो इस वजह से आपको आज डिजिटल समाचार ही देखना पड़ेगा। तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा एकदम से, क्योंकि एक्सक्लूसिव रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट्स की न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। अच्छा दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अगले 25 साल में भारत में क्या क्या विकास करने हैं इसका एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया, या यूं कह सकते हैं कि भारत के भविष्य के 25 साल की तस्वीरें खींची। भारत में अमेरिका जैसा विकसित माहौल बनाया जाएगा, ये मास्टर प्लान बताया PM मोदी ने। तो कुछ यूं माहौल रहा इंडिपेंडेंस डे का, और आइए अब आज की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, अच्छी खबर आ रही है, ओमिक्रॉन वेरियंट का भी वैक्सीन लाएगी सीरम इंस्टीट्यूट। भारत बायोटेक ने इंट्रानेजल वैक्सीन का 3रा क्लिनिकल ट्रायल भी पूरा कर लिया और ड्रग रेगुलेटर को इसका डेटा भी सौंपा है। यानी कि देश की पहली नेजल वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है और जल्द ही कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन दी जाती है ना, नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन भी हमारे देश में अवेलेबल होगी। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है, 2 घंटे कम होगा दिल्ली मुंबई का रेल सफर। इस साल के अंत तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा होगी ट्रेनों की गति। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है, सितंबर महीने से ही बिहार की राजधानी पटना, राजधानी जैसी 23 जोड़ी ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर हो जाएगी, और इससे आपका समय बचेगा क्योंकि सेम रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाएगी तो आने जाने की टाइमिंग जो है वो कम हो जाएगी। 2 घंटे में आप दिल्ली से जयपुर पहुंच पाएंगे। इस साल के अंत तक रेलवे 3 राज्यों में सुपर फास्ट ट्रेन की सुविधा शुरू करने जा रहा है। खास करके दिल्ली और राजस्थान के रेल रूट पर ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली का काम भी पूरा कर लिया गया। वहीं रेलवे ने यात्रियों को एक और बड़ा झटका ये दिया कि अब 1 साल के बच्चे का भी फुल टिकट लगेगा। दरअसल अब ट्रेन यात्रा को लेकर रेलवे की तरफ से कुछ नए नियम बनाए गए हैं। अब 1 साल के बच्चे का भी फुल टिकट लगेगा। अभी तक 5 से 11 साल तक के बच्चों को भी आधा किराया देना पड़ता था रेल में सफर के लिए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों कि रेलवे ने बिना सूचना के इस नियम में बदलाव कर दिया है। इसका एक उदाहरण भी आप देख सकते हैं, एक परिवार रेल यात्रा करने दौरान 1 से
चार साल तक के बच्चों को भी रेल में सफर करने के लिए पूरा टिकट कटवाते हैं। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज से MCLR दर बढ़ा दी है, यानी कि अब SBI से होम लोन लेना और भी ज्यादा महंगा होगा। 15 अगस्त के मौके पर SBI की तरफ से यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से लोन की रेटों को बढ़ा दिया। अब 6 महीनों के लिए लोन की जो MCLR रेट है वो 7.45% से बढ़कर 7.65% हो चुकी है। एक साल की दर को भी 7.5% से बढ़ाकर 7.7% कर दिया। SBI के अलावा इंडसइंड बैंक ने भी ब्याज दरें बढ़ा दी है FD पर। हालांकि SBI ने भी हाल ही में FD पर ब्याज दरें बढ़ाई थी, लोन की रेटें भी बढ़ा दी आज और इससे एक दो दिन पहले FD की रेटें बढ़ाई थी, और SBI की FD के बाद इंडसइंड बैंक ने भी FD की ब्याज दरें बढ़ा दी है। अभी आपको अलग अलग बैंकों पर एक साल तक की FD पर क्या इंटरेस्ट मिल रहा है ये लिस्ट आप देख सकते हैं। यस बैंक, इंडसइंड बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एक्सिस बैंक और SBI बैंक, सभी की इंटरेस्ट रेट इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। बैंकिंग न्यूज से कुछ और अपडेट है आगे देखेंगे, फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। अब सस्ता पड़ेगा कार चलाना, दो नए इंजन पर काम कर रही मारुति कंपनी, और अगले साल तक कंपनी एक इंजन को पेश भी कर देगी। मारुति सुजुकी ने E85 यानी कि 85% वाले इथेनॉल इंजन पर काम करना शुरू कर दिया। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि भारत सरकार की तरफ से भी सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये निर्देश दिए गए कि आप अपनी कार के इंजनों में इथेनॉल वाले फ्यूल से चलने वाले मतलब इथेनॉल ऑप्शन वाले इंजन भी निकालें। तो अब इस पर मारुति कंपनी काम करना शुरू कर चुकी है। अब मतलब आपका ईंधन पेट्रोल डीजल का जो महंगा खर्चा ना वो कम होगा। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, व्हाट्सएप के प्रोफाइल फोटो में जल्द ही लगा सकेंगे अपना 3D अवतार, इसको लेकर भी व्हाट्सएप पर जल्द ही एक नया फीचर आ रहा है। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, साल भर में 465% का रिटर्न देकर निवेशकों पर धन वर्षा किए ये स्टॉक। श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ने एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 465% तक का रिटर्न दिया। पहले एक साल पहले इनकी शेयर की रेट थी 43 रुपए, जो आज बढ़कर 245 तक पहुंच चुकी है, 250 के लगभग। मतलब देखिए इन्वेस्टर को कितना अच्छा रिटर्न मिला। और खबर आ रही दोस्तों कि 100 रुपए से सस्ते ये दो शेयर भी मालामाल कर सकते हैं अगले एक साल में, यानी कि अगले स्वतंत्रता दिवस तक इन शेयर्स पर आपको 80% से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। ये शेयर मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अनुमान है। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो दो शेयर कौन कौन से हैं? एक तो NHPC LTD, इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज और HDFC सिक्योरिटीज ने इन शेयर्स को खरीदने की सलाह दी है। अशोका बिल्ड कॉन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ, देखिए, व्यायाम रोज करो या सिर्फ वीकेंड में करो, ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही तरह के लोग कसरत न करने वालों के मुकाबले ज्यादा जीते हैं। कुल मिलाकर के एवरेज आपको सप्ताह में 150 से 300 मिनट की फिजिकल एक्टिविटीज करना जरूरी है, और जो लोग इतनी से भी एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों का लाइफ साइकिल पीरियड बड़ा हुआ दिखाई दिया। 18 साल में 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों पर वैज्ञानिकों ने एक सर्वे किया और उसमें ये बात का ये डेटा का खुलासा हुआ है। मतलब अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है। वहीं महिलाओं के लिए भी अपडेट आ रहा है कि वजन ज्यादा होना मां बनने में खतरा हो सकता है। मोटापा जो है महिलाओं के लिए रिस्की हो सकता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी से अगर आपको बचना है तो पड़ोसी और रिश्तेदार से नहीं बल्कि अपने डॉक्टर से सलाह लें। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, कर्नाटक के शिवमोगा में एक पोस्टर को लेकर कल शाम को देर रात विवाद हो गया। सावरकर और टीपू सुल्तान के नाम पर दो गुट भीड़ पड़े, चाकूबाजी हुई, उसके बाद आसपास के एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई, स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। आज मंगलवार को शिवमोगा में कर्नाटक के शिवमोगा में पोस्टर को लेकर ये विवाद हुआ। पता नहीं हिंदुस्तान में लोगों को क्या हो रहा। अच्छा बॉलीवुड से खबर आ रही है, लाल सिंह चड्ढा फिल्म फ्लॉप होने से आमिर खान सदमे में है। फिल्म ने 4 दिन में 38 करोड़ रुपए कमाए, इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारी नुकसान हुआ। फिल्म मेकर से मुआवजा भी मांगा जा रहा है। अच्छा वही किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है, PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए EKYC की अंतिम तारीख को एक बार फिर से सरकार ने आगे बढ़ा दिया। जहां पहले इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई थी उसको बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया, यानी अब आप 31 अगस्त तक अपनी PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए EKYC करवा सकते हैं। आप अपने नजदीकी ई-मित्रा सेंटर या CSC सेंटर पर जाकर के भी EKYC कर सकते हैं, या आप घर बैठे ही PM किसान पोर्टल के जरिए भी EKYC कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त आपके खाते में तभी आएगी जब आप EKYC को कंप्लीट करोगे तो, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा की डायल 112 सेवा में बड़े बदलाव किए गए हैं। गाड़ी खराब होने पर भी पुलिस अब आपको घर छोड़कर आएगी। जी हाँ, दरअसल हरियाणा सरकार की तरफ से पुलिस की इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड सपोर्ट सिस्टम सेवा डायल 112 को अधिक प्रभावी व जन उपयोगी बनाने का निर्णय किया और इसमें कुछ और नई सुविधाओं को जोड़ा गया। अब मान लीजिए आप कहीं सफर कर रहे हो और आपकी गाड़ी अचानक खराब हो गई या आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो आपको तुरंत 112 नंबर डायल करना है और पुलिस आएगी और पुलिस की गाड़ी आपको और आपके परिवार को घर तक छोड़ेगी सुरक्षित। हरियाणा दिवस के मौके पर 1 नवंबर से सरकार इस 112 सेवा में ये नए बदलाव लागू करने की तैयारी कर रही है ना। और कुछ और स्टेट्स के अपडेट देख लेते हैं। देखिए इस राज्य सरकार ने बढ़ाया सरकारी कर्मचारियों का DA। 15 अगस्त के मौके पर गुजरात सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने 15 अगस्त के मौके पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA के कार्ड होल्डर्स के लिए 1 किलोग्राम दाल की योजना के विस्तार का भी
ऐलान किया। साथ ही सरकारी कर्मचारियों का डीए भी 3% बढ़ा दिया है। डीए यानी कि महंगाई भत्ता। तो इससे कुल मिलाकर के 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को शानदार तोहफा दिया है गुजरात सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। ये जो बढ़ा हुआ डीए है सरकारी कर्मचारियों का, ये इस साल 1 जनवरी 2022 से ही लागू माना जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और घोषणाएं की जिनकी डिटेल्स और जानकारी भी आप देख सकते हैं। कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी करेगी गुजरात सरकार, जिसके बारे में भी बताया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कई बड़ी घोषणाएं की। कर्मचारियों को एरियर मिलेगा और राशन कार्ड धारकों का अनुदान भी दुगुना कर दिया है। पंचायती राज के 4000 कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की है। 15 अगस्त के मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से ये बड़े अनाउंसमेंट किए गए। साथ ही एपीएल राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला अनुदान अब दुगुना किया जाएगा, जिसमें क्या फायदा होगा देख सकते हैं आप। मार्च 2023 तक 7 महीनों तक के लिए दुगुना फायदा मिलेगा। एपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए 5 से 10 रुपए व गरीब परिवार को खाद्य तेल पर मिलने वाले अनुदान को 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। झारखंड सरकार ने भी कुछ अनाउंसमेंट किए, देखिए आप। गुरुजी क्रेडिट कार्ड की घोषणा की है। झारखंड के छात्रों को 15 नवंबर से बिना गारंटर के लोन मिल सकेगा। दरअसल झारखंड के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा के लिए पैसों का अभाव अब छात्रों के आड़े नहीं आएगा, क्योंकि झारखंड सरकार की तरफ से सीएम सारथी योजना के तहत 15 नवंबर को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करने जा रही है। इसकी लिमिट 10 लाख रुपए तक होगी और इस क्रेडिट कार्ड के जरिए स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं को लोन लेने के लिए किसी भी तरह के गारंटर की जरूरत भी नहीं होगी। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स को इस क्रेडिट कार्ड के जरिए कई और फायदे मिलेंगे और इसके कुछ नियम और शर्तें भी हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर। केरल सरकार की तरफ से सभी डेयरी किसानों के लिए स्मार्ट कार्ड योजना की घोषणा की है। आज से इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 20 अगस्त तक किसान भाई लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो किसान भाई लोग दूध बेचने वगैरह का काम करते हैं ना, उनके लिए सरकार स्मार्ट कार्ड बनाएगी। इसको लेकर सरकार ने एक क्षीर श्री नाम से नया पोर्टल भी लॉन्च किया है। डेयरी किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये योजना निकाली है। केरल में 2 लाख डेयरी किसान है, सभी को एक साथ जोड़ा जाएगा इस पोर्टल पर। 20 अगस्त तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया, सीएम आवास योजना में सबको मकान देंगे। इसके अलावा मेधावी बच्चों की फीस भी अब हमारी सरकार भरेगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई है। अच्छा, वहीं बैंकिंग न्यूज पर कुछ और अपडेट्स देखिए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने भी एफडी की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का कहना कि अब 5 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट पर कंपनी अधिकतम 7.25% का ब्याज देगी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से एक नया उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई है। आज से ही ये योजना लागू हो चुकी है। उत्सव जमा नाम से एक नई स्कीम शुरू की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इस फिक्स डिपॉजिट योजना में ब्याज दरें जो है ना, जो सामान्य एफडी रहती है उससे ज्यादा ब्याज मिलेगा आपको। एसबीआई 1000 दिनों के लिए जमा राशि पर 6.10% की दर से ब्याज दे रहा अभी इस योजना पर। ज्यादा जानकारी इस योजना के बारे में आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर के भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ। मनाली में पुल टूटा, महिला समेत 2 लोग बहे। बिहार के कई जिलों में सामान्य से 60% तक कम बारिश हुई। सूखे को लेकर भी सरकार ने अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में बरगी बांध के खोले जाएंगे आज 13 गेट। जबलपुर के घाटों का लेवल इससे 20 से 25 फीट तक बढ़ेगा। 1.5 मीटर ऊंचाई तक खुलेंगे गेट। राजस्थान में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट है। 11 जिलों में होगी बरसात। बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा, इसलिए नदियों तालाबों से दूरियां बनाकर रखे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए तवा बरगी के भी 13-13 गेट खुले। स्टेट हाईवे बंद है। भोपाल पचमढ़ी में 2.5 इंच बारिश हुई। भदभदा कोलार डैम के भी गेट खोले गए। रायसेन में पुल धंसा। एमपी में 305 करोड़ के लीकेज वाले डैम ने 2.5 बर्बादी। फसलें चौपट हो गई, पेड़ बिजली के पोल भी गिर गए। ग्रामीण बोले कि घर पहुंचे तो सब कुछ भीगा था। इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 16 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है ना। और चलिए मौसम के बाद अब कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 14,917 नए मामले आए, जबकि 32 लोगों की मौत हुई। सक्रिय आंकड़ों की बात करें तो 1,17,508 अभी भारत में एक्टिव केस चल रहे हैं। वहीं कोरोना की वैक्सीन पर भी खबर आ रही है कि अब एक ही वैक्सीन से कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों ही तरह के वेरिएंट पर असर हो सकेगा। ब्रिटेन देश में इस तरह की वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है, बूस्टर डोज है ये एक तरह की। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जाम पर खबर आ रही है कि 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 23 अगस्त से ही एग्जाम होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर फॉर इंडियन पार्टीशन स्टडीज की स्थापना। छात्र करेंगे विभाजन की विभीषिका का अध्ययन। मध्य प्रदेश में सनातन संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा स्टूडेंट्स को। अब उर्दू में पढ़ सकेंगे उपनिषद। फारसी भाषा की किताब से हो रहा अनुवाद। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और
और अपडेट देख लेते हैं। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए भोपाल से एक नई योजना शुरू की है। अब घर घर पहुंचेगा ईंधन, पेट्रोल पंप पर कतार में लगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भोपाल जैसे शहर में रिपोज पे को लॉन्च करने का मुख्य मकसद है छोटे शहरों में बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवाओं से वंचित लोगों तक अत्याधुनिक वित्तीय उत्पादों को पहुंचाना है। और यहां पर अब आपको पेट्रोल भी होम डिलीवर किया जाएगा मध्य प्रदेश भोपाल में, है ना। अच्छा, वहीं असम सरकार की तरफ से भी बड़ी घोषणा की गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से ऐलान किया गया कि 1,00,000 मुकदमे वापस होंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1,00,000 मामूली केस को सरकार ने वापस लेने की घोषणा की है। इससे जो छोटे मोटे केस में फंसे हुए लोग बाग हैं उनको राहत मिलेगी। वहीं हिमाचल के हर ब्लॉक में बनेगा मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर, 24 घंटे मिलेगी हेल्थ सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य योजना में एक नई पहल की शुरुआत करने जा रही है। जिस तरह से मतलब दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बनाए ना, उस तरह से हिमाचल में भी हर ब्लॉक में मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने जा रही है सरकार, जहां आपको 24 आवर्स यानी कि दिन और रात दोनों ही टाइम स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। गुजरात सरकार लाएगी नई ड्रोन पॉलिसी, 25,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। गुजरात सरकार एक नई योजना ला रही है जिसका नाम है ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेज पॉलिसी। इस पॉलिसी के जरिए राज्य में हजारों लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा और ड्रोन का इस्तेमाल किसान भाई लोगों की फसलों वगैरह में कीटनाशक वगैरह छिड़काव के लिए भी किया जाएगा, तो इससे दोनों को फायदा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 20,00,000 युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। पहले घोषणा 10,00,000 नौकरियों की थी, लेकिन अब 10,00,000 और बढ़ा दी है बिहार सरकार ने। जल्द ही बिहार राज्य में बल्क में गवर्नमेंट जॉब्स निकाली जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से नीतीश कुमार की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है। बॉलीवुड से खबर आ रही है, स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर सलमान खान ने तोहफा दिया। टाइगर 3 की रिलीज डेट की घोषणा भी की जा चुकी है। टाइगर 3 जो है अगले साल 21 अप्रैल 2023 में सिनेमा घरों में आप देख पाएंगे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में नकल पर लगाम लगाने के लिए लखनऊ में बनेगा वॉर रूम। सुधरेगी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लेक्चरर्स की सैलरी। आए दिन एग्जाम में जो चीटिंग वगैरह देखी जाती है ना, इस पर कंट्रोल लाने के लिए योगी सरकार एक नया सिस्टम बना रही है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी हाल ही में मीडिया से बातचीत की है। और यूपी लखनऊ में एक ऐसा कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, वॉर रूम बनाया जाएगा, जहां से राज्य में होने वाले सभी एग्जाम्स को ट्रैक किया जाएगा, नजर रखी जाएगी, ताकि एग्जाम में पेपर आउट लीकेज चीटिंग वगैरह की समस्या ना हो। अच्छा भाई देखिए, श्रीलंका को भारत से मिला डोर्नियर एयरक्राफ्ट, समुद्री निगरानी के काम आएगा, नेवी के वाइस चीफ ने रानिल विक्रम सिंघे को सौंपा। अच्छा देखिए, आजादी के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ लापरवाहियां भी देखने को मिली। बिहार के सीवान में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ। सरकारी स्कूल में बिना अशोक चक्र के एक झंडा लगा दिया गया, तो वहीं पंचायत भवन में झंडा ही उल्टा फहराया हुआ लग रहा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मतलब कितनी लापरवाही करते हैं यार मैनेजमेंट वाले लोग बाग। वह देखिए, 1 अक्टूबर से पंजाब सरकार करने जा रही आटे की होम डिलीवरी, और इस योजना के लिए पंजाब सरकार ने राज्य को 8 जोन में बांट दिया। पंजाब के मंत्री ने कहा कि होम डिलीवरी सेवा मोबाइल फेयर प्राइस शॉप्स की धारणा को पेश करेगी, और अब मतलब आटा जो है ना वो होम डिलीवरी होगा, यानी कि लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा डायरेक्टली पंजाब सरकार की तरफ से। घर घर राशन स्कीम की शुरुआत करने जा रही पंजाब सरकार। अच्छा, राजस्थान उदयपुर से गुजरात अहमदाबाद रेल मार्ग शीघ्र प्रारंभ हो। 15 अगस्त से फिर से चलेगा पोस्ट कार्ड अभियान, के गुप्ता का ये कहना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अगले साल 422 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। इनमें 252 सरगुजा बस्तर संभाग में खुलेंगे। दंतेवाड़ा के सभी स्कूल बदले जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह भी बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का माहौल भी देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप। बिलासपुर में तो गांव से लेकर शहर तक बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। बस्तियां मोहल्ले बने टापू, कॉलोनियां जलमग्न हो गई, कई मकान गिरे, 485 लोग बेघर हैं। प्रशासन के सारे दावे फेल नजर आए। मध्य प्रदेश इंदौर में देखिए, शिक्षकों की सहकारी संस्था में अब 5,00,000 रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। मध्य प्रदेश मर्यादित इंदौर ने सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऋण की सीमा 3,00,000 रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए तक कर दी है। इस संबंध में संस्था के संचालक मंडल ने सह निर्णय लिया है। वहीं खबर आ रही है कि महिला अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना निकाली उसके तहत महिला अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सेना में भर्ती के लिए महिलाओं के द्वारा अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 सितंबर 2022 आखिरी तारीख है, तब तक आप अप्लाई कर सकती हैं ऑफिशियल पोर्टल www.joinindianarmy.nic.in के जरिए। अच्छा, वही खबर आ रही है कि अरहर दाल के दाम बढ़े, केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए उठाया बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक में रखी 38,00,000 टन दालों को खुले बाजार में जारी करने का फैसला किया, क्योंकि आजकल मार्केट में अरहर दाल की कीमतें बढ़ रही हैं। इनको कंट्रोल में लाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया। अच्छा, राजस्थान में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब निजी बस संचालक भी वैध तरीके से कर सकेंगे गुड्स आइटम ट्रांसपोर्ट। परिवहन विभाग इसके लिए मतलब लाइसेंस बनाएगा प्राइवेट बसों वाले के लिए भी। राज्य भर में अब निजी बस संचालक भी वैलिड तरीके से गुड्स आइटम का ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों को भी अब आसानी से मिल सकेगा राज्य पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से नई योजना बनाई गई है, जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया। 1130 वर्ग फीट के भूखंड पर अब तुरंत मिलेगी मकान बनाने की
दी मंजूरी, यानी कि जो निर्माण स्वीकृति आने में जो काफी टाइम लगता है ना, वो टाइम नहीं लगेगा, बल्कि हैंड टू हैंड आपको निर्माण स्वीकृति मिल जाएगी 1130 वर्ग फीट तक के भूखंड यानी कि प्लॉट पर मकान बनाने के लिए। तो नए नियम का लाभ केवल व्यक्तिगत भूखंड मालिक को ही मिलेगा, कॉमर्शियल वालों को नहीं मिलेगा। अच्छा, वही गुजरात सरकार ने पुलिस कर्मियों की तनख्वाह को बढ़ा दिया है। LRD का मासिक वेतन 8,012, कांस्टेबल का 4,000 बढ़ा। 550 करोड़ रुपए का पैकेज जो मंजूर किया उसमें इसे इस तरह से सैलरी बढ़ाई गई है पुलिस कांस्टेबल और पुलिस कर्मचारियों की, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। पंजाब में अटारी बॉर्डर पर जवानों का शौर्य और उत्साह देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 50,000 से भी ज्यादा दर्शक अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट देखने पहुंचे। हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा बॉर्डर। राजधानी दिल्ली में LG ने 15 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया। अमृत महोत्सव के अवसर पर यह बड़ा ऐलान किया गया। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने सौगात देते हुए एरियर की किस्त व प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती सहित कई और बड़ी घोषणाएं भी की है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी BPCL की तरफ से घोषणा की गई है कि वो इस सेक्टर में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। BPCL कंपनी का कहना है कि अगले 5 सालों में पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस और क्लीन एनर्जी में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे अच्छी बात यह है कि भारत में कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपको पता होगा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक नया नियम लागू किया गया। अब कर्मचारी आपस में बात करेंगे तो फोन उठाने के बाद टेलीफोन पर हेलो नहीं बोलेंगे, बल्कि हेलो की जगह वंदे मातरम बोलेंगे। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की तरफ से यह निर्देश जारी कर दिया। वहीं झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में किया ध्वजारोहण और बोले कि पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र लागू की जाएगी। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किस महान स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा दिया गया, कमेंट करके बताइए उनका नाम। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।